Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कानून की पासदारी न होने से इदारों में तसादुम होते हैं। हमने हमेशा आईन की पासदारी की और इदारों का आईनी किरदार तस्लीम किया। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में शाहिद खाकान अब्बासी, पार्टी रहनुमाओं और फजलुर रहमान से मुलाकातों में गुफ्तगू। कुछ ही देर बाद साबिक वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। हुसैन हसन, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ख्वाजा हारिस की नवाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तस्ना करने की दरख्वास्त, नैब ने मुखालिफत कर दी। इमरान खान नाअहली केस में जजेस के इमरान खान के वकील नईम बुखारी से कड़े सवालात। जजेस ने कहा कि आपके जवाब में 1 लाख पाउंड की मनी ट्रेल नहीं, जमायमा से कर्ज लेने और देने की दस्तावेजात दरकार हैं। नईम बुखारी ने अदालत से तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। नईम साहब, इन सवालात के जवाबात पहले दिन ही आ जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क, समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इमरान खान गैर मुल्की कुवतों के अलाइकार हैं। इमरान खान के पास कोई मनी ट्रेल नहीं, अदालत में सिर्फ खतूत पेश किए। हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। दानियाल अजीज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पता चला कि नैब वफात पा चुका, मुर्दा इदारे को जिंदा करने की क्या जरूरत पेश आई। नैब के रेफरेंसेज में हकाइक नहीं। आईबी चीफ सरकारी खर्च पर 4 दिन लंदन में क्या करते रहे? क्या वो लंदन नाअहल वजीर आजम से मिलने गए? इमरान खान का ट्वीट, ये भी कहा कि आईबी चीफ को रियासत का वफादार होना चाहिए, नवाज शरीफ का नहीं। मौजूदा हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी, आम इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाएं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन का मुतालिबा, ये भी कहा कि ओपोजिशन लीडर को तब्दील करना हमारा जमहूरी हक है, इस पर मुशावरत जारी है। नईमुल हक कहते हैं, नैब को जल्द तफ्तीश करके मुजरिमों को सजा देनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी कठपुतली वजीर आजम है, हर काम नवाज शरीफ से पूछ कर करते हैं। शीशा कहते हैं, इमरान खान की गलत पॉलिसियों ने नवाज शरीफ को मजबूत किया। ओपोजिशन लीडर तब्दील करने का फायदा भी नवाज शरीफ को होगा। चौधरी निसार नवाज शरीफ के लिए डील नहीं करेंगे, उन्होंने डील की तो अपने लिए होगी। मुल्क खतरे में है, सियासतदान लड़ाइयां खत्म करें। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। पानामा में 1 नहीं 426 अफराद के नाम थे, सबका एहतसाब होना चाहिए। सिराजुल हक का पिशावर में तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग नून मुकर्रर मुद्दत में नए सदर का इंतखाब ना कर सकी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को 3 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में पेश होने या फिर वकील के जरिए जवाब जमा कराने की हिदायत। अल्ताफ हुसैन फसादी और गद्दार हैं, हमें वफाकी हुकूमत दे, बानी एनक्यूएम को लटका देंगे। सुहेल अनवर सियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी कहा कि परवेज मुशर्रफ को आसिफ जरदारी अपने दौरे सदारत में क्यों याद नहीं आए। आज उनको तब याद क्यों आया जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपील में गए कि हमारी बीबी शहीद को, हमारी बीबी को हमसे जुदा करने वाला मुशर्रफ है। सिंध के 5 अजला के अकाउंट अफसरान मास्टर डेटा तक रसाई हासिल करके कौमी खजाने के 50 करोड़ रुपए हजम कर गए। एंटी करप्शन की तहकीकात में इंकशाफ, इंक्वायरी रिपोर्ट आला हुक्काम को इरसाल। नौशहरा में गरीब लोगों को बहला फुसलाकर गुर्दे निकालने का धंधा बेनकाब। निजी मेडिकल सेंटर पर छापे के दौरान 9 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मशाल कत्ल केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 32 मुलजमान की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कल हरिपुर जेल में फैसला सुनाएगी।
कोयटा में हन्ना रोड पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका, बस का ड्राइवर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाका घेर कर 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। नेप्रा ने बिजली की कीमतों में 1.82 रुपए फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा।